Welcome to your English class. Today we are going to continue our next chapter, Discovering Tut. The Saga Continues, which is written by A.R. Williams. The title of the chapter, Discovering Tut. The Saga Continues, is very appropriate. How? Let's discuss the title of the chapter. Discovering Tut. Who was Tut? Tut was a boy king of Egypt. He belonged to a dynasty which was very powerful and which ruled Egypt for many years. Tut kon the? Ek raja the Egypt ke. And the saga continues. Saga means the long story. Okay, the long story continues even after his death. Because this chapter is about the discovery of the young king Tut, who had ruled Egypt for 9 years and then died suddenly. अचानक से क्या हुआ, उस राजा की, किंग टुट की, जो इजिप्ट के राजा थे, उन्होंने 9 years तक उस इजिप्ट पर रूल किया और फिर क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई. His tomb was discovered in 1922. उनकी टॉम्ब को ढूंढा गया. And the people were very curious to know the cause of his death. लोग क्या थे, बहुत excited थे उनकी death का reason जानने के लिए. Because somehow they are believing that कि उनकी death किसकी वजह से हुई थी, murder की वजह से. So discovering of Tut's tomb in 1922 led to many other archaeological discoveries and researches. Okay, we will come to know later that who discovered the mummy of Tut. Mummy, आप सभी जानते हैं कि मरने के बाद mummy अब तैयार की जाती है. So it was only in 2005 that the mummy of Tut was taken out from the tomb. टॉम से बाहर निकाला गया मम्मी को. एंड आफ्टर अ सिटी स्कैन किया गया उस बॉडी का, डेड बॉडी का. और सिटी स्कैन के बाद क्या रिवील हुआ, दैट विच रिवील्ड द कोज ऑफ टुट्स डेथ. ओके, कि टुट की डेथ का रीज़न क्या था. डिस्कवरिंग टुट द सागा कॉन्टिन्यूज. This chapter underlines the fact that scientific intervention is necessary to unearth buried mysteries. मतलब जो buried mysteries हैं, जो दफना दी गई हैं, उनको अगर हम दोबारा से reveal करना चाहते हैं, at that time scientific intervention is necessary. Okay, so let's continue the chapter. He was just a teenager when he died. He here stands for the king Tut. Okay, he was just a teenager. वो कैसे थे, एक टीन एज में थे when he died. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and empire for centuries. Last heir थे मतलब अपनी उस पूरी powerful family के ये last वारिस थे. That had ruled Egypt, जो इजिप्ट पर रूल कर रही थी काफ़ी टाइम से. एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, काफ़ी सेंचुरीज से. ही वॉज लेड टू रेस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू दीज इजिप्शियंस, वो क्या मानते थे, दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, कि उनकी लाइफ डेथ के बाद भी क्या होती है, एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है. तो जब उनकी डेथ के बाद उनका एक टॉम्ब बनवाया जाता है, जब उनकी डेड बॉडी को मम्मी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो किसके साथ कवर किया जाता है, लेडन विद गोल्ड. उनकी डेड बॉडी को गोल्ड, ज्वेलरीज, इन सब के साथ वहाँ पर टॉम्ब में रखा जाता है. इन इवेंचुअली फॉरगॉटन, और उसके बाद भूल जाते हैं. सिंस द डिस्कवरिंग ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922 में जब उनकी टॉम्ब को दोबारा से रीडिस्कवर किया गया, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, मॉडर्न वर्ल्ड ने गेस किया, और वो क्या गेस कर रहे हैं, अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, कि उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था. क्योंकि टीन एज में उनकी डेथ हो जाना मीन्स इज अ सडन शॉक टू एवरीवन. So with murder being the most extreme possibility, शायद murder हुआ हो जो उनकी most extreme possibility लग रहा था. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, अब टुट को क्या किया गया, means वहाँ से निकाला गया, 80 years के बाद उनकी tomb को खोला गया, उनकी mummy को बाहर निकाला गया. And टुट was undergone a city scan,
टूट की डेड बॉडी का क्या किया गया, एक सिटी स्कैन किया गया दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जिसके बारे में न्यू क्लूज निकले, उनकी लाइफ, उनकी डेथ कैसे, उनकी डेथ हुई, उनकी लाइफ कैसे चल रही थी, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश फैरो, फैरो मीन्स किंग, राजा। तो वो क्या निकाल रहे थे, एक्यूरेट डाटा निकाल रहे थे, और एक्यूरेट डाटा किसकी वजह से निकल रहा था, सिटी स्कैन की वजह से, फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हुआ किसका, ऑफ द बॉयश किंग, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चलाया गया, बिकॉज डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूज अंडरलाइंस द फैक्ट दैट साइंटिफिक इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू अनअर्थ ब्यूरिड मिस्ट्रीज, कि साइंटिफिक इंटरवेंशन नेसेसरी है अगर हम किसी भी मिस्ट्री को पूरी तरह से ओपन करना चाहते हैं तो साइंटिफिक इंटरवेंशन मीन्स इंटरफेयर इज नेसेसरी। सो एन एंग्री विंड स्ट्रेड अप गोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। अब राजा जो किंग टूट था उसको उसके रेस्टिंग प्लेस से, मतलब वहाँ पर रेस्ट करने, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो क्या होता है, डेथ के बाद भी लाइफ होती है, न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, तो राजा को अब क्या किया गया, उनके रेस्टियन प्लेस से बाहर निकाला गया। एन एंग्री विंड स्ट्रीड अप गोस्टली, ओके, एक एंग्री विंड स्ट्रीड अप गोस्टली मीन्स उनकी जो बिल्कुल कैसे चलने लगी, गोस्ट की तरह, गोस्ट डस्ट डेविल्स की तरह बाहर निकलने लगी, फियरफुल डेविल लाइक शेप्स, किंग टूट की बॉडी को बाहर निकाला गया फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। एंड इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री, ओके, सिमेट्री मीन्स द ब्यूरियल प्लेस जहाँ पर डेड बॉडी को दबाया जाता है, एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री जहाँ पर डेड बॉडीज को दबाया जाता था उसका नेम क्या था, द वैली ऑफ द किंग्स। इजिप्ट में जब लोग या किसी राजा की डेथ हो जाती थी तो वहाँ पर इसको दबाया जाता था, द वैली ऑफ द किंग्स। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडीड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे, ओके, डार्क बेलीड मीन्स डार्क एंड बल्जिंग, उन क्या किया गया, बहुत ज़्यादा स्कडीड, स्कडीड मीन्स मूव फास्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या चल रही है, बहुत तेज क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं डेजर्ट स्काई में सारा दिन, एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, और वो क्या हो रहा है, मीन्स वो सारे जो कास्केट ग्रे मीन्स जो कॉफिन है या बॉक्स कह सकते हैं, उस बॉक्स को वो क्या चल रहा है, नाउ वर वेलिंग द स्टार्स, ओके, स्टार्स उनको हाइड कर रहे हैं, किसको हाइड कर रहे हैं, कॉफिन को जिसमें किंग टूट की बॉडी को डाला गया था। इट वॉज 6 PM, टाइमिंग अब बताई गई है, इट वॉज 6 PM ऑन 5 January 2005, ठीक है, ये टाइम चल रहा था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, अ वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी को क्या किया गया, ये रियल स्टोरी है बेटा, ये किंग जो डिस्कवरिंग टूट है, टूट एक रियल में इजिप्ट का एक राजा थे, किंग थे, और अब इस रियल में उनकी स्टोरी को बाद में क्या किया गया, सिटी स्कैन के थ्रू उनकी डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, मम्मी को, और फिर उनकी डेथ का मेन कोज जानने की कोशिश की गई। विच द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट, सबसे पहले बाहर निकाला गया, ग्लाइडेड हेड में, ग्लाइडेड मीन सोने से, गोल्ड से भरे हुए थे वो, इनटू अ सिटी स्कैनर, किसमें लाया गया उनको, एक सिटी स्कैनर में, ब्रॉट हेयर टू प्रोब, प्रोब मीन्स इन्वेस्टिगेशन, टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लाइंग लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, इतने साल पहले देखो जिस राजा की डेथ हुई हो, अचानक से मेडिकल के द्वारा, मेडिकल की हेल्प से, सिटी स्कैनर की हेल्प से, वो क्या किया गया, दोबारा से उस राजा की डेथ की मिस्ट्री को खोला गया। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइंस ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम्ब सम 26 feet underground to pay their respect. All afternoon, क्या किया गया, the usual line of tourist, वो वहाँ पर आते थे tourist, dead body को या उनकी mummy को, tomb को देखने के लिए, around the world had descended और into cramped means tight, okay, rock cut tomb को देखने आते, some 26 feet underground, वो कैसे हैं 26 feet underground हैं, और वो सभी tourist किसके लिए आते हैं वहाँ पर, to pay their respect.
They gazed at the murals on the walls of the burial chamber. Murals means painting, okay, or some other work of art. Okay, वो वहाँ पर किसको देखते? वॉल्स पर जो ब्यूरियल चैम्बर था, मीन्स जहाँ पर उन राजा की किंग टूट की बॉडी को ब्यूरी किया गया था. एंड पीड एट, और वो झांक कर देखते किसको? टूट ग्लाइडेड फेस. टूट का जो ग्लाइडेड फेस था, ग्लाइडेड मीन्स जो गोल्ड से फिल्ड था, उसके फेस को देखते. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड. क्योंकि उनकी पूरी बॉडी को, उनके कॉफिन को किससे फिल्ड कर दिया गया था? गोल्ड से. उनकी पूरी बॉडी को गोल्ड से कवर कर दिया गया था, तो इसीलिए उनको देखने के लिए आते. सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर. कुछ विजिटर्स तो वहीं पर धीरे धीरे बात करते हुए गाइड बुक्स में से उनके बारे में रीड करते रहते. अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ वहीं पर साइलेंटली खड़े रहते. परहैप्स पोंडरिंग टुट अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स. क्योंकि अनटाइमली डेथ ऐसा लगता है कि क्योंकि एक टाइम होता है डेथ का भी, ओके, बट ये टीन एज में डेड हो गए थे. और वंडरिंग विद द शीवर, और उनको एक डर भी लगता था. वो चुपचाप क्यों खड़े रहते थे? एक तो अनटाइमली डेथ के बारे में सोचते रहते, पॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग, और वंडरिंग विद अ शीवर, और डरते रहते और वंडर करते इफ द फैरोज कर्स. फैरो मीन्स राजा का. एक माना जाता है कि कोई भी इस राजा को क्या करता है, उनकी स्लीप में सोए हुए को अगर डिस्टर्ब करता है तो उनकी अल्टीमेटली क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. मीन्स एक मिसफॉर्च्यून सा उनके ऊपर आ जाता है, तो उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो इसीलिए कुछ लोग वहाँ पर बिल्कुल चुप रहते. डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम. उनको लगता कि एक उनका कर्स है, एक उसको क्या मिला हुआ है, एक राजा को एक अभिशाप सा मिला हुआ है कि जो भी उनको डिस्टर्ब करता है उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है या मिसफॉर्च्यून हो जाता है. वॉज रियली ट्रू. वॉज रियली ट्रू मीन्स कि ये कहावत क्या है, कहीं सच ना हो जाए. इस वजह से वो क्या सोचते कि वो वहाँ पर खड़े होकर चुप करके किंग टुट की बॉडी को देखते रहते. दिस इज इट विद टुडे. वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.